अब तक तीन चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आज शाम 5 बजे तक चौथे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद कुल 381 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका होगा। कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मोदी जी के लिए सरकार बना पाना अत्यंत मुश्किल है। कल मैं एक तरफ मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी एक पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे, अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते। और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं, हिंदू मुसलमान, हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं या
लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा, और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीवीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिलके काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे, और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार है। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब ये इतने बड़े बड़े शर्माएदार बोलते हैं कि ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दिया, और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद? लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में हैं और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को लाके नहीं दिया। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार में जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया। जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वो लाते हैं। वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं, वो उनको देते हैं। और बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों का करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी हैं, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। मालडा गए थे कभी कभी, क्या होता है बिहार मालडा ये सब नजदीक रहने से मिक्सचर हो जाता,
तो सब जगह फिरे हम, अब जम्मू कश्मीर तो बाकी है लेकिन छोड़ दीजिए, लेकिन इतना मैं घुमा जितनी मेरी ताकत हो सकती है इस उम्र में, लेकिन कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आ रहा है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं, और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है, और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक हमारा सबका दावा है। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि आप क्या करने वाले हैं, ये सवाल भी हम पे उठता है। तो देखिए, हमने 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की है। इसके अलावा भी जब हम मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके, ये जो 5 न्याय है, 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, हमारा युवाओं को पहली नौकरी देना ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है, महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम? किसानों को गारंटी देना ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी? उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 140 करोड़ जनता जो है उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा, उसमें जात रिलीजन धर्म कहां से आया? तो ये मोदी हमेशा अपनी बात अलग अलग ढंग से रख के लोगों को भड़का रहे हैं, और वो खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपोजिशन के लोगों को भड़काते हैं और लोगों में डिवाइड करने की बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं कर रहे, एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइड कर रहे हैं ऐसी बातें बोलकर। उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि बाकी के हमारे प्रोफेसर है, ये भट्टाचार्य जी है इधर हमारे, और सीपीआई के नेता, आप ही बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, बहुत चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी ही नहीं, कहां तक जाते हैं? मुसलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। ये मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी, वहां भी ऐसा बोला, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे, यहां तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उनको देंगे। आप पढ़े होंगे, हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीजों पे झूठ बोलते ही जाते, बुलेट ट्रेन का बोले, 15 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, एमएसपी का बोले, ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है,
मैं छीन लेना चाहता हूं। तो ये जो चीजें हैं हमारे जो बैकलॉग एससी एसटी के लिए ओबीसी के लिए ये सब भरने का, और जो भी कानून हमने वर्किंग क्लास के लिए किया था इन्होंने जो उसको अलग ढंग से उसको निकाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कोशिश करेंगे कि जो वर्किंग क्लास के हित में कानून है उस कानून को फिर से हम लाएंगे।